कोरोना वायरस से बचने के लिए अपने हाथों को लगातार साबुन से धोएं, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज, मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों पर। सबसे पहले लखनऊ की खबर है, जहां लखनऊ के बालागंज क्षेत्र के अजीत सिंह लोगों को बांट रहे हैं खाना। आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के चलते गरीब असहाय लोगों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सभी लोग अपना अपना बराबरी से सहयोग दे रहे हैं। इसी कड़ी में बालागंज क्षेत्र के अजीत सिंह ने गरीबों को जब से लॉकडाउन है तब से भोजन बांट रहे हैं। इस नए काम में अजीत सिंह के सहयोगी दीपक गुप्ता भी अपना सहयोग दे रहे हैं। लखनऊ का ये बालागंज क्षेत्र है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि अजीत सिंह जो है यहाँ पे लोगों को किस तरह जो है खाना वितरण कर रहे हैं। और खाना भी हम आपको बता रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्वादिष्ट खाना है। इसमें पनीर और गाजर और ये सब का जो है मिला के एक मिक्स जो है तहरी बना के और लोगों को लगभग जो है यहाँ बालागंज के जितने भी लोग हैं हर किसी को लगभग यहाँ पर मालूम है कि यहाँ पर 12 बजे से और 1 बजे से यहाँ पर खाना बंटता है, जिसको ले कर 500 के आसपास जो है लोग यहाँ प्रतिदिन आते हैं। और अजीत सिंह जो है यहाँ पे लोगों को बराबर यहाँ पे वितरण करते हैं। आप लोग डेली आती हैं यहाँ? हाँ, मिल जाता है खाना? हाँ, खाना मिल जाता है। अच्छा, तो ये देखिए अजीत सिंह, आप ये कब से कर रहे हैं? 27 मार्च से चल रहा है अपना कार्यक्रम। 27 मार्च से? अच्छा, 27 मार्च से चल रहा है ये। देखिए 27 मार्च से इस तरह से जो है लोगों की सेवा की जा रही है। और यहाँ पे जितने भी गरीब लोग हैं बालागंज में जो रहते हैं, लगभग सभी को मालूम है कि यहाँ पे खाना वितरण होता है। और खाने को लेने के लिए यहाँ पे 12-1 बजे का इन्होंने जो एक समय निर्धारित किया है, वो उस समय पे लोग बाग आना शुरू हो जाते हैं। आपको मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगा, ये देखिए पीछे भी बच्चे वहाँ पर आ रहे हैं और ये लोग भी आ रहे हैं। यहाँ जैसे ही खाना बंटना शुरू होता है लोगों को मालूम चल जाता है कि यहाँ पे 12-1 बजे खाना मिलता है और प्रतिदिन वो खाना लेके यहाँ से जाते हैं। लगभग इनका कहना है कि 500 लोग जो हैं प्रतिदिन यहाँ पे खाना खिलाया जाता है। लखनऊ से अलाइव 24 के लिए राजन सिंह। राजधानी लखनऊ में लगातार बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या। हजरतगंज थाना क्षेत्र के नरही में कोरोना संक्रमित महिला की मिलने की जानकारी मिली। प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान जांच रिपोर्ट में गर्भवती महिला के कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। शुरुआत में घर पर ही क्वारंटीन किया गया था। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग की टीम नरही पहुंची। वहीं DCP सेंट्रल दिनेश सिंह ने तत्काल पूरे एरिया को सील किया और DCP सेंट्रल दिनेश सिंह, ADCP चिरंजीवी नाथ सिन्हा, ACP हजरतगंज अभय कुमार मिश्रा व इंस्पेक्टर हजरतगंज संतोष सिंह, नरही चौकी इंचार्ज भूपेंद्र सिंह मौके पर पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। लखनऊ के हॉट स्पॉट एरिया हसनगंज में दुकान खुलने के बाद लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन किया गया था। हालातों को देखते हुए कुछ जगह छूट दी गई है, लेकिन इस छूट का लोग गलत फायदा उठा रहे हैं। हॉटस्पॉट एरिया हसनगंज में दुकान खुलने के बाद लोग सोशल डिस्टेंसिंग को दरकिनार कर दिया है और इतना ही नहीं, बिना मास्क के लोग दिख रहे हैं। इससे पहले सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर नवीन अरोरा ने 13 दुकानदारों पर कार्रवाई की थी। अगली खबर हरदोई जिले की है, जहां हरदोई जिले की तहसील संडीला नगर के TRS कॉन्वेंट स्कूल ने पुलिस कर्मियों और बैंक कर्मचारियों को सम्मानित किया। आपको बता दें कि स्कूल की डायरेक्टर डॉक्टर विभा सिंह ने वैश्विक महामारी में देश के लिए महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करने वाले पुलिस व बैंक कर्मियों के कार्य की सराहना की। डॉक्टर विभा सिंह के अलावा नगर के कस्बा चौकी इंचार्ज ओम प्रकाश, चौराहा चौकी इंचार्ज आदित्य कुमार मौर्य सहित आंध्रा बैंक, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, HDFC, एक्सिस बैंक के शाखा प्रबंधक सभी कर्मियों पर पुष्प वर्षा कर उन्हें कोरोना वॉरियर सम्मान पत्र से सम्मानित किया। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अलाइव 24 न्यूज। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल अलाइव 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।